हाय दोस्तों, आप लोगों के लिए एक मैं अच्छा एक वीडियो लेके आया। ये ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट का अभी इसका ट्यूबलाइट चलना के लिए इसका तीन आइटम बनता है। इसका तो ट्यूब बनता है, इसके बाद स्टार्टर बनता है, इसके बाद अंदर एक चौक के वो बनता है। ये तीनों है तो ये ट्यूबलाइट चलता है, नहीं तो चालू नहीं होता है। अभी स्टार्टर निकलेगा तो फिर भी चालू नहीं होता है। अब मैं चालू करके देखेगा, ये चालू नहीं होता है। देखा, ये स्टार्टर लगाएगा तो अच्छा होएगा तो चालू होता है, लेकिन चौक खराब होएगा तो फिर भी ऐसा नहीं है। लाइट सही है तो फायदा नहीं है। फिर तो ऐसा ना, एक नया सिस्टम में अभी ये ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट का ए होल्डर में घुसा सकता है, लेकिन उसका स्टार्टर चौक दोनों भी नहीं बनता। अभी देखो ये सेम है, लंबा भी ऐसा है, ये पिन भी ऐसा है, सेम है, लेकिन इसका ये 230 का है बल्ब। इसका ज़रूरत नहीं है, स्टार्टर ज़रूरत नहीं है, चौक ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों का स्टार्टर निकल के लगा देगा, क्यों ज़रूर ये लगाएगा तो स्टार्टर निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये बल्ब जल जाएगा। क्यों स्टार्टर लगाएगा तो जल जाएगा, थोड़ा चलता है, चल के जल जाएगा। अभी ये मैं स्टार्टर निकल के इसको चालू करके आपको दिखाएगा। देखा, चालू हो गया, स्टार्टर निकल कर रखा है। फिर तो स्टार्टर ज़रूर निकलना है, नहीं तो बल्ब ख़राब हो सकता है। अभी दूसरा बात है, अभी चौक भी निकल के इसका यूज़ कर सकता है। अभी मैं आपका ये चौक का कनेक्शन है ना, इधर से निकल के डायरेक्ट लगा के आपको दिखाएगा। क्यों ये चीज़ तो बहुत आप लोग के लिए बहुत ज़रूरत है, क्यों ये बल्ब, नहीं तो पुराना मॉडल डालेगा तो बहुत मुश्किल से चौक के लिए, स्टार्टर के लिए। अभी देखा, अभी ये मैं डायरेक्ट लगा दिया। अभी देखो ये एक साइड का इधर से जाता है, न्यूट्रल जा रहा है एक साइड का। अभी देखा, न्यूट्रल ऊपर जाएगा, दूसरा वाला बेस आता है इससे से नीचे आता है। देखा, सीधा एक साइड का होल्डर में आता है, दूसरा न्यूट्रल तो ऊपर जाता है। मतलब अभी डायरेक्ट सप्लाई हो गया ट्यूबलाइट का। अभी ये चौक का स्टार्टर कनेक्शन हम लोग का निकल दिया। अभी ऐसा मैं लाइट लगा के आप लोगों का दिखाएगा कैसा चलता है। अब देखा, मैं लगा दिया, स्टार्टर भी चौक भी दोनों निकला, अभी बल्ब चलता है। अभी ऐसा लगा सकता है, लेकिन इसका स्टार्टर निकल, अभी देखा इसका एक LED है अंदर, उससे से चलता है। इसका अंदर भी एक सर्किट भी है, इससे 230 DC कन्वर्ट करके ट्यूबलाइट LED पर चलाता है। अभी हम लोग का ये चौक है तो मुश्किल नहीं अंदर, लेकिन हम लोग का निकलना तकलीफ है तो बस स्टार्टर निकल के आप लोग के बल्ब ऐसा लगा सकता है, नहीं तो इसका 230 डायरेक्ट भी दे सकता है। एक साइड का सप्लाई और एक साइड न्यूट्रल देगा तो बल्ब खाली भी चला सकता है। अभी हम लोग का ये पूरा तो सेट निकलना फ़ायदा नहीं है, बस आप लोग का इसी से ये बल्ब लगा सकता है स्टार्टर निकल के। मैं अभी दिखाएगा, मैं ये पूरा तो देखा, ये लाइट का तीन लाइट है। अभी इसका मैं चौक नहीं निकला, सब स्टार्टर निकल दिया। क्यों स्टार्टर निकलेगा बाद तो बल्ब का कुछ मैफॉल्ट नहीं होता है, बल्ब जल नहीं जाता है, लेकिन तब आप लोग स्टार्टर रखता है तो बल्ब जल जाता है। इसीलिए आप लोग क्या करना है, बस स्टार्टर निकलेगा तो काफ़ी है, लेकिन चौक भी अच्छा होएगा तो कनेक्शन उससे से पास होता है। चौक जल जाएगा तो भी कनेक्शन पास नहीं होएगा, ऐसा इस टाइम आप क्या करना है, वो चौक का वायर दोनों है ना कनेक्शन कनेक्ट करना है। अभी जल्दी जल्दी आप लोग काम करना के लिए स्टार्टर निकलेगा फ़ायदा है, लेकिन स्टार्टर फ़ायदा नहीं है। स्टार्टर मैं चौक तो निकल देना बनता, निकल देगा तो ख़राब होएगा तो निकल देना है, नहीं तो नहीं निकलना है, ऐसा रख के बल्ब डाल सकता है। अभी आप लोग का आज एक ट्यूबलाइट का इसका नया मॉडल कैसा लगाता है, पुराना वाला कैसा रखेगा, कैसा कनेक्शन देगा, आप लोग का मालूम हो गया लगता है। अभी
ऐसा है तो आप लोगों को वीडियो अच्छा है तो दूसरा आदमी का देखने के लिए मैं वीडियो शेयर करना है, वीडियो को लाइक कमेंट देना है। मेरा चैनल अभी तक आप लोगों का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, क्यों मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो लेके आएगा, लेके आके आप लोग फायदा होना के लिए वीडियो डालता है इसमें, इसलिए तो आप लोग का मेरा चैनल का सब्सक्राइब करके रखना है। चाहे तो आप लोगों को दूसरा दिन मैं अच्छा वीडियो लेके आना तक इंतज़ार करना है। ओके बाय, हैव योर नाइस डे।